नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर इंटर की और मैट्रिक के रिजल्ट जो है, रिजल्ट से संबंधित कुछ खास नोटिफिकेशन आया है जो जान लेना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल पर देख चुके हैं कि आप लोग को यहाँ पर जो है 4 लाख कॉपियों की हो चुकी है जाँच। ये आप लोग को 100% सही आप लोग को न्यूज बताऊंगा कि 4 लाख कॉपियों को यहाँ पर मूल्यांकन हो गया है और कब तक आप लोग को पूरा मूल्यांकन कर दिया जाएगा और कब तक आपको जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक रहिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पेपर में दे दिया गया है कि हाई स्कूल के कार्यकर्ता अतिथि शिक्षकों से ले जाएगी सेवा, यानी हाई स्कूल के अतिथि कार्यों से यहाँ पर ले जा रहा है, कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है और हो चुकी है जाँच। यहाँ 4 लाख कॉपियों के यहाँ पर मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है और आपका कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सारा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि बिहार विद्यालय समिति अनंत किशोर ने बताया है कि अब तक करीब 4 लाख कॉपियों की जांच हो चुकी है। इसके 3 लाख कॉपियों के प्राप्तक ऑनलाइन माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मिल चुकी है। यहाँ पर 4 लाख कॉपियों के मूल्यांकन के प्रोसेस यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है और जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि कॉपियों की जांच करने में लमसम 60% शिक्षक लगे हुए हैं, यानी 60% शिक्षक यहां पर कॉपियों के मूल्यांकन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और यहां पर बोला जा रहा है कि समिति द्वारा इंटरमीडिएट के कॉपी जांच करने का 9 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कॉपियों के मूल्यांकन को पूरा करने के यहाँ पर 9 मार्च तक आप लोगों को कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह से यहाँ पर खत्म करने का लक्ष्य बना लिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर आर.के. महाजन ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आनंद किशोर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग को कॉपियों को 4 लाख कॉपियों को मूल्यांकन यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है और सभी शिक्षक को यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर निर्देश बिहार बोर्ड के द्वारा आर.के. महाजन के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार डी.एम. और डी.ओ. को कहा है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर कॉपियों की जाँच में सहयोग ले, अपील करें कॉपियों की जाँच में शामिल होने से इच्छा जताने वाले शिक्षक को ज्वाइनिंग करवाए, कॉपी जाँच केंद्रों को डीओ कार्य सुरक्षा बल के मुहाने पर 144 धारा के तैनात हुई मजिस्ट्रेट तैनात की जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति की सेवा कॉपी जांच कर ली गई है। राज्य सरकार के अनुदान पाने वाले वित्त रहित उच्च सेवा कॉपियों की जांच में ली जाएगी। राज्य सरकार के अनुदान पाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय कॉलेजों के कार्यकर्ता शिक्षकों को कॉपी जांच करने से इनकार करने पर उसे अनुदान नहीं दिया जाएगा। जैसा कि इसमें बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर अनुदान लिए हैं, उस स्थिति में जो भी यहां पर स्कूल अनुदान लिए हैं और कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो वैसे उस स्थिति में उसे अनुदान से यहाँ पर इनकार कर दिया जाएगा। और इस बार देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि इंटर का रिजल्ट समय पर देने के लिए सरकार की प्राथमिकता, यहाँ सरकार यहाँ पर आप लोग को पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि आपको रिजल्ट जो है सही समय पर आपका दिया जाए। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अधिकारी ने कहा है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय पर प्रकाशित करना वरना सरकार प्राथमिकता है, यानी आप लोग को प्राथमिकता के द्वारा बोला जा रहा है कि सरकार को प्राथमिकता है कि सही समय पर आपको रिजल्ट इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाए। इसके लिए जरूरतमंद बिहार छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन में मदद मिले और समय बर्बाद न होने से बचे, ऐसे शिक्षक द्वारा यहाँ पर बोला गया है। मूल्यांकन लगाया गया है, यदि उनमें से कोई भी मूल्यांकन में शामिल नहीं होते तो ऐसे शिक्षक कठोर अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी डीएम व्यक्तिगत रूप से कॉपियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग के काम भी यहां पर किया जा रहा है। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि आपको रिजल्ट जो है सही समय पर दिया जाए ताकि आगे वाले स्टूडेंट को यहां पर आप लोगों को पढ़ाई में किसी तरह के बाधित ना हो, सही समय से आप लोग को नामांकन हो और सही तरह से आप लोग को प्रोसेस चले, जिसके लिए बिहार बोर्ड पूरी तरह से आप लोग को यहाँ पर कोशिश में लगा हुआ है। और आपका जो रिजल्ट है, आपको जैसा कि बता देता हूँ, लमसम आप लोग को मार्च के अंतिम वीक में आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म है कि आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को जैसा कि इंटर वाले को बता देना चाहता हूँ कि 9 मार्च तक आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप लोग को कि लास्ट मार्च तक आप लोग को कॉपियों के यहाँ पर मूल्यांकन की पूरी तरह से रिजल्ट का पूरा प्रोसेस यहां पर हो जाएगा, जो आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को मैं बता दिया हूं। और मैट्रिक के वाले के भी मैं बता देना चाहता हूं कि 5 मार्च से यहां पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा। तो इस स्थिति में आप लोगों को बता देना चाहता हूं रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह का यूजफुल वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।